हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस अगेन 111 टैरेंट चैनल के ऊपर। अगेन उन लोगों के लिए जो वापस से चैनल पर आए हैं, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा वेलकम उन लोगों के लिए जो नए नए आए हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ये आज का जो वीडियो है, काफी लोगों ने रिकमेंड किया था आज का टॉपिक जो है वीडियो का, तो आप लोग अपने रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। मैं एक कमेंट डाल दूंगी, तो उसके अंदर आप लोग जाकर के बताएं मुझे, ठीक है, आप लोगों को किस तरीके की रीडिंग चाहिए। तो मैं वैसे रीडिंग आप लोगों के लिए बनाना शुरू करूंगी। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। सेवन ऑफ पेनिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जैसे भी फीलिंग्स निकलेंगी, हम लोग उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। ओके, थ्री ऑफ कप्स एंड एक कार्ड और देखेंगे, टू ऑफ कप्स। मतलब कुछ कार्ड तो देखते के साथ ही आंखों को ठंडक देते हैं ना। बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। ये इंसान ना आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज्यादा आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं तहे दिल से, चाहे ये आपको दिखाएं चाहे ये आपको ना दिखाएं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आप लोग, और जेमिनी भी हो सकते हैं आप, ठीक है। ये इंसान आपको दिखाएं चाहे नहीं दिखाएं, लेकिन ये आपकी तहे दिल से रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारा आपसे प्यार करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप अगर इनके पास हो ना, तो इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। अगर आप इनसे छिन जाओगे ना, तो ये इनकी लाइफ में ना हर तरीके का फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। आप इस चीज को ऐसे भी ले सकते हो कि जैसे ये आपको अपना लक समझते हो, ठीक है। अब इट डजेंट मैटर कि कोई लड़का देख रहा है वीडियो या लड़की, बट जैसे कहते हैं ना लेडी लक या फिर लक, तो ये आपको ऐसा समझते हैं कि यू आर द गुड फॉर्च्यून, ब्यूटिफुल पॉजिटिव फॉर्च्यून ऑफ दिस पर्सन। आप अगर इनकी जिंदगी में है, तो इनको किसी भी तरीके की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इनकी जिंदगी में हर वो मोमेंट, हर वो पल एक तरीके से सेलिब्रेशन भरा होता है जब आप इनके पास होते हो, जब आप इनके साथ होते हो। और जब आप इनके पास नहीं होते हो, जब आप इनके साथ नहीं होते हो, तो इनको ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, जैसे कि सब कुछ बर्बाद हो रहा हो, ठीक है। हर तरीके का फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस रहना, फिजिकली बहुत ज्यादा बाउंडेड और गैग्ड फील करना। दूसरी बात, इनको ना किसी ना किसी तरीके की बीमारी का जो है प्रॉब्लम क्रिएट होना, तो इनको बहुत ही ज्यादा परेशानी और बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस होता है जब भी इनको ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे उससे दूर रहना पड़ेगा या फिर मुझे उससे दूर चले जाना चाहिए। तो सीक्रेटली ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं, मतलब आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ना, इस पर्सन को आपके पास खींच करके मजबूरन लाने की कोशिश करता है। ये बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है, बहुत कोशिश करते हैं। हो सकता है कोई सिचुएशन आप दोनों के बीच में खराब चल रही हो जिसकी वजह से, लेकिन ये पर्सन है ना बहुत कोशिश करते कि आपसे दूर रहें, थोड़ा सा लिमिट बनाएं, एक बाउंड्री क्रिएट करके रखें। लेकिन ये पर्सन जब भी कोई बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो आप इस पर्सन की लाइफ में इतनी गंदी नेगेटिविटी आती है कि इसको आपके ना याद आना शुरू हो जाती है। ये इंसान रात को ना चुपचाप रोते हैं, मतलब बैठे बैठे कि क्या गलत हो रहा है मेरे लाइफ में, ठीक है। और ये फिर भाग करके आपके पास आ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ना हमेशा ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में रहते हो, कि कभी तो पर्सन आया फिर दोबारा चला गया, फिर आया फिर दोबारा चला गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग लवर्स का कार्ड है, और देखो वाओ ब्यूटीफुल, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड लवर्स का कार्ड है, ठीक है। तो इस इंसान के साथ ना ऐसा ही होता है कि आप दोनों की लाइफ में ना कोई आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है कहीं ना कहीं। तो ये पर्सन बेचारा इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचता रहता है कि यार ये सब क्या है और क्यों है और कब तक रहने वाला है। ओके, सीक्रेटली ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं, इनको आप काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। मतलब अगर इनके सामने कोई मेनका भी आके खड़ी हो जाए ना, जजमेंट का कार्ड है देख लो, कोई मेनका भी आके खड़ी हो जाए ना इनके पास, तो ये उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन में आपको लेकर के रेस्पेक्ट के साथ साथ बहुत सारा प्यार है, या फिर कह लो कि प्यार के साथ साथ बहुत सारा रेस्पेक्ट है। मून का कार्ड है यहाँ पे, जजमेंट का कार्ड है हमारे पास। तो मून, जैसे कि मैंने बोला, कुछ ना कुछ है आप दोनों के बीच में। एंड सी, लवर्स का कार्ड है, आप दोनों
है ही। देखो यहाँ पे भी लवर्स, यहाँ पे भी लवर्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट और फिर सन का भी कार्ड है। इस इंसान की सीक्रेट फीलिंग है कि आपके साथ शादी हो, आपके साथ कमिटमेंट, कमिटमेंट वाली चीजें हो, ठीक है, आप दोनों हमेशा हैप्पी रहें, आप दोनों का एक प्यारा सा घर हो, प्यारी सी फैमिली हो, आप दोनों ना हमेशा एक दूसरे के साथ हों, ठीक है। ये पर्सन ये भी सोचते हैं, तो इनकी सीक्रेट फीलिंग है ये आपसे शेयर करना नहीं कर पाते हैं आपसे शेयर करना, कि ये आपको आपका लक समझते हैं, ठीक है, अपना लक समझते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। आपका होना इनकी लाइफ में एक ब्यूटिफुलनेस है, एक सेलिब्रेशन है। आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है। ये जब भी आपसे दूर जाते हैं इनकी लाइफ में ना सब कुछ उल्टा होना शुरू हो जाता है, बुरा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इनको ऐसी फीलिंग आती है जैसे इनके साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो जस्ट बिकॉज इसलिए हो रहा है कि ये इनसे दूर है, ठीक है। दूसरी बात ये कि सीक्रेटली ये कहीं ना कहीं इस चीज को जानते हैं कि आप एक परफेक्ट पर्सन हो इनके लिए। लाइक आप सुंदर हो, सुशील हो, सभ्य हो, पॉजिटिव हो, हॉट हो, सेक्सी हो, बोल्ड हो, कमाने वाले हो, अच्छे खासे इंडिपेंडेंट हो, और इनसे प्यार तो टूट के करते हो। इनको ऐसी फीलिंग आती है दैट यू आर द परफेक्ट मैच फॉर दिस पर्सन। ओके, सन का कार्ड है। ये इंसान भले से आपको ना दिखाता हो लेकिन ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, पूरी जिंदगी आपके साथ रहना चाहते हैं। ये आपको ना ऐसे रखना चाहते हैं जस्ट लाइक अ डॉल, जस्ट लाइक अ टॉय, कि एकदम कहते हैं ना जैसे सहेज के रखना, उस तरीके से आपको सहेज के रखना चाहते हैं, एकदम जैसे कांच का कोई प्यारा सा टुकड़ा या जैसे कोई हीरा हो आप। ओके, तो इस तरीके से ये पर्सन आपके बारे में सीक्रेटली सोचते हैं। इनको ना आपसे दूर जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशानी महसूस होती है, बहुत ही ज्यादा बुरा और गिल्ट महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है दैट आप हो इनकी लाइफ में सिक्स ऑफ कप्स, तो इनकी जिंदगी एकदम खुशियों से भरी हुई है, आप एक तरीके से ब्लेसिंग हो इनकी लाइफ में, ठीक है। इनको ऐसी भी फीलिंग आती है सीक्रेटली। चलिए कुछ और डेक में से कार्ड्स निकालते हैं, थोड़े से सेक्सुअल कार्ड्स भी देख ही लेते हैं क्योंकि सीक्रेट फीलिंग्स की बात चल रही है। तो दो कार्ड निकले हमारे पास, क्या क्या है देखे। तो हमारे पास है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो इनकी एक सीक्रेट फीलिंग और है, रुको मैं बताती हूँ, एक कार्ड और निकालती हूँ फिर बताती हूँ। ये वाला देखते हैं, एट ऑफ सोर्ड्स। जैसा कि मैं सोच ही रही थी, देखो एक चीज और है इनके दिल में, इनके दिमाग में ये कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको धोखा दे दो, ठीक है। सीक्रेटली ये भी सोचते हैं, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको ना धोखा दे दो, या आप इनके साथ ना रहो, या फिर आप कुछ ऐसा क्रिएट कर दो जिनकी वजह से ये हर्ट हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पास्ट लाइफ इनका जो रहा है ना, पास्ट लाइफ जो अभी इसी 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 जन्म का जो इनका रिश्ता रहा है उसमें कहीं ना कहीं इनको धोखा मिला है। ओके, तो उस धोखे की वजह से ये थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं ये, क्योंकि ना ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि इनके अंदर जितने गुण है ना उससे काफी गुना ज्यादा आपके अंदर है। मतलब आप एक तरीके से पर्क हो, ठीक है, और ये पर्सन एकदम अपने आप को नॉर्मल स्टेबलाइज इस तरीके से रखने की कोशिश करता है। तो इनको ऐसा लगता है यार मेरे अंदर इतनी ज्यादा कोई खास है नहीं, मतलब एक खास मेरी पर्सनालिटी नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे को छोड़ के चली जाए और किसी और के पास चली जाए, ठीक है। नाइट ऑफ सोल्स, धीरे 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 ये मुझसे बोर हो जाए और कहीं दूर चली जाए, क्योंकि ये पर्सन ना आपको लेकर के बहुत, मतलब कहते हैं ना, अंतर अंतर मन इनका जो है आपके लिए भरा है, मतलब इनका रोम रोम आपके लिए भरा है। ये पर्सन आपको किस करना चाहते हैं सीक्रेटली, ये पर्सन आपको हग करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ फिजिकल रिलेशन और इंटीमेसी मेंटेन करना चाहते हैं। इनके दिमाग में, दिल में ना आपको लेकर के ये सारी चीजें गूंजती रहती हैं। ये पर्सन ना आपको लेकर के बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल डिजायर्स भी रखते हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे कि यू आर दी वन जिसके साथ अगर ये फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं तो वो इंजॉयमेंट ही अलग होगा, वो समा ही कुछ अलग होगा, ठीक है। इनको ऐसी फीलिंग भी आती है, ये आपको लेकर के, आपके फिगर को लेकर के भी काफी ज्यादा जॉयफुल रहते हैं। इनको इस तरीके की फीलिंग आती रहती है दैट यू आर दी ओनली वन, इस पूरे प्लेनेट में यू आर द ओनली वन जो कि इनको इतना ज्यादा हैप्पी फील करवा सकती है या करवा सकता है। ओके, चलिए कुछ मैसेजेस ना हम यहाँ से भी देखते हैं कि इनकी सीक्रेट फीलिंग और क्या है। वी हैव अ लॉट, क्या क्या कार्ड है हमारे पास देखे। तो
योर बॉडी. तो जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि पर्सन आपकी बॉडी को लेकर के बहुत ही ज्यादा मतलब इंजॉयमेंट सा महसूस करते हैं. प्लीज वेक मी अप. ओके, तो ये हमेशा आपके है ना नशे से में डूबे रहते हैं सीक्रेटली. एंड लव मी हार्ड, तो ये पर्सन आपसे कहते हैं कि आप इनको बहुत पैशनेट लव करें. आई प्रोमिस टू ऑलवेज बी योर साइड, ये आपसे प्रोमिस करते हैं कि हमेशा आपके साथ रहेंगे. आई लव टू किस यू, तो इनको आपको किस करना बहुत पसंद है. फिर हमारे पास आई ऑलवेज वॉन्ट मोर फ्रॉम यू, ये हमेशा आपसे ज्यादा की उम्मीद रखते हैं. लव टू सी यू नेक्ड, तो जैसा कि मैंने बोला था कि मतलब है इनका ना ये, ऐसे दिखाती हूँ आपको कि इनका ना ये एक तरीके से आप कह लो कि ड्रीम है. ठीक है, ड्रीम कम्स ट्रू वाली चीजें हैं कि आपको ऐसे देखना चाहते हैं. मैं ड्रीम्स की बात कर रही थी, देखो ड्रीम आ गया कार्ड. इन ड्रीम्स आई सॉ यू, तो ये सपनों में आपको कहीं ना कहीं देखते होंगे. आई प्रोमिस आई एल योर्स, तो ये आपको प्रोमिस करते हैं कि आपके ही हैं. आई डोंट हैव डर्टी माइंड, आई हैव इमेजिनेशन, तो इनका डर्टी माइंड नहीं है आपको लेकर के, लेकिन कामुकता है कहीं ना कहीं. शट अप एंड किस मी, वेरी पैशनेट. फिर हमारे पास आई लव टू मेक लव, तो ये आपके साथ प्यार अनुभव करना चाहते हैं. किसिंग यू इज लव, तो किस करना इनके लिए आपको एक तरीके का बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्यारा है अनुभव. योर आईज आर यम, तो इनको आपके आंखें बहुत पसंद है. वाना ऑलवेज योर्स, हमेशा आपके होना चाहते हैं. कम क्लोज विथ मी. एंड द लास्ट कार्ड वी हैव योर बॉडी इज माइन, तो इनको ऐसी फीलिंग आती है दैट आपकी जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी है और इनके लिए ही बनी है. ठीक है, सो दिस इज ऑल द सीक्रेट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर आया है तो प्लीज इस वीडियो को ना लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशन के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं. एंड बहुत गर्मी है, बहुत ही गंदी वाली गर्मी है, तो प्लीज अपना अपना ध्यान रखिएगा. खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा और इन सीक्रेट फीलिंग्स को ना उनको मत शेयर कीजिएगा. बहुत सारा प्यार. बाय बाय.